नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रशिया के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम लोग रशिया और यूक्रेन की विवाद के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले। हमारी चर्चा होने वाली है रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में। एक तरफ रशिया और यूक्रेन में जंग छिड़ चुकी है, अभी तक यूक्रेन इज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन इटसेल्फ। अब उसी के बीच पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, ही इज ऑन अ मेडन विजिट टू रशिया। तो हम लोग इसी मेडन विजिट के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे वो इवॉल्व हुए हैं और आने वाले समय हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर ये चर्चा चलेगी। दैट वुड बी द एजेंडा। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल सायगांवकर, आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो मोर अबाउट अस। And do not forget to use the code Rahul33 at the checkout. अगर आप कोई भी कोर्स खरीदे स्टडी आई क्यू पे, यूज द कोड Rahul33, जहां पे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पे ऑन स्टडी आई क्यू प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2 दिनों की विजिट पे हैं रशिया पे, ऑन February 23rd and February 24th। इनफैक्ट ये पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की विजिट है ऑलमोस्ट 20 सालों में। पिछली बार जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर विजिटेड, दैट वाज नवाज शरीफ वे बैक इन 1999। और इस बार इमरान खान इज गोइंग टू होल्ड टॉक्स विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू स्ट्रेंथन देयर बायलैटरल टाइस। इनफैक्ट जब इमरान खान ने लैंड किया रशिया में, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी हुआ। आफ्टर लैंडिंग देयर एक वीडियो रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था ये वीडियो, जहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, ही सेड दैट इट इज क्वाइट एक्साइटिंग टाइम। अब इसके बाद काफी ज्यादा आलोचना भी हुई। उन्होंने ये कहा कि दिस क्राइसिस डजंट कंसर्न अस, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो क्राइसिस हो रहा है, जो विवाद हो रहा है, इट डजंट कंसर्न अस। ही सिंपली सेड दैट हमारा रशिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप है और हम उसे स्ट्रेंथन करने आए हैं, हम सभी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वी विश टू बेसिकली कैरी आउट कॉमर्स विथ ऑल द नेशंस। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई, काफ़ी टिप्पणी हुई, वेरी इनसेंसिटिव रिमार्क्स करके, दैट ही कॉल्ड वॉर टाइम्स। अभी वॉर चल रहा था, उसी दिन वॉर शुरू हुआ था जब इमरान खान ने कहा दैट इट इज़ क्वाइट एक्साइटिंग टाइम्स इन रशिया। तो चलिए बात करते हैं रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में, कैसे वो इवॉल्व है, क्योंकि इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। वाई? क्योंकि रशिया हमारा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड रहा है हिस्टोरिकली। 1971 में हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ सिक्योरिटी हम लोगों ने साइन की थी और तब से लेकर रशिया ने हमारा साथ दिया है। लेकिन 21st सेंचुरी में रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं, हम लोग अपना थोड़ा सा स्वे कर चुके हैं वेस्ट की तरफ, तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है आर रिलेशंस विद रशिया। तो इसीलिए नज़र रखनी पड़ेगी रशिया पाकिस्तान रिलेशंस पे। हाउ हैव दे इवॉल्व? देखिए, अगर हम लोग रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, इसे हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? 1947 टू 1991, 1991 से लेकर 2000 और पोस्ट 2000, यानी कि 21st सेंचुरी। देखिए, इस समय पे तो इंडिया को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट फॉल्ट लाइंस ड्रॉ हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें इंडिया की, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर रिलाई कर रहा था, इंडिया नॉन अलाइनमेंट की बातें कर रहा था, इंडिया ना हम यूएस की ब्लॉक में जाएंगे, ना हम लोग यूएसएसआर के ब्लॉक में जाएंगे, ये क्लियरली अनाउंस किया गया था बाय इंडिया। जबकि पाकिस्तान की जब आप बात करोगे, पाकिस्तान ने क्लियरली खुद को उन्होंने कैंप किया था यूएसए के साथ और उन्होंने यूएसए का समर्थन कंटिन्यूसली दिया था, राइट फ्रॉम 1950s इटसेल्फ। यूएसए का एक बहुत ही आर्डेंट फ्रेंड, आर्डेंट पार्टनर रहा था पाकिस्तान, और यूएसए का पार्टनर है मतलब यूएसएसआर का दुश्मन है। तो इंडिया ने भी यूएसएसआर की तरफ अपना रुख ज़रूर किया था, रशिया की तरफ मैं कहूँगा, इन 1971, राइट? तो एक तरफ इंडिया और रशिया, दूसरी तरफ यूएसए और पाकिस्तान। और इस समय पे हम लोग एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि क्लियरली यूएसएसआर और पाकिस्तान के उतने अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन में बहुत बड़ा हाथ था पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने ही सेफ हेवन दिया था, जहाँ पे उन्होंने अफगानिस्तान में जो लड़ाई चल रही थी वहाँ पे मुजाहिदीन को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान ही तो सॉइल था। यूएस ने पाकिस्तान की सॉइल का इस्तेमाल किया, उन्होंने मुजाहिदीन को डेवलप किया, मुजाहिदीन से उन्होंने यूएसएसआर को वीकन किया, इवेंचुअली यूएसएसआर वॉज डिसइंटीग्रेटेड।
सो दैट इज वाई रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया और यूएसएसआर वर नॉट स्ट्रांग. लेकिन 1991 के बाद जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और उसका जो सक्सेसर स्टेट बना रशिया, धीरे धीरे संबंध इम्प्रूव होने लगे. क्यों? क्योंकि यूएसएसआर यानी कि अभी मैं कहूँगा रशिया, रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसी में अटलांटिसिज्म आ गया था. रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन मोस्टली वेस्टर्न टाइप की फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहे थे. लेकिन फिर से 1991 से 2000 में एक और इंसिडेंट हुआ. 1996 में तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान में और उस समय पाकिस्तान की जो सरकार थी, बेनज़ीर भुट्टो की सरकार थी, फ्रॉम नॉट रॉन्ग, दे रिकग्नाइज तालिबान वेरी वेरी क्विकली. फिर से रिलेशंस डिटीरियट हो गए. लेकिन 1999 के बाद धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड आने लगा बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया. और 21st सेंचुरी में तो हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशंस ट्रांसफॉर्म हुए हैं. बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हम लोग देख सकते हैं, स्पेशली इन द सेकेंड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी. पहले 10 सालों में 2000 से लेकर 2010 तक ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ. क्योंकि अगर हम लोग बात करें पुतिन की प्रेसिडेंसी की, देखिए पुतिन प्रेसिडेंट बने रशिया के 2000 में और 2000 से आज तक वो प्रेसिडेंट है ही. ऑल दो बीच में 2008 से 2012 तक ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, बट रूलिंग में तो रह ही रहे. तो पुतिन वॉज नॉट प्रो पाकिस्तान वेरी मच, क्योंकि पुतिन हिमसेल्फ हैज़ बीन अ KGB ऑफिसर एंड ही नोस द रोल ऑफ पाकिस्तान इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR. तो शुरुआती 10 सालों में ज़्यादा कुछ रिलेशंस इवॉल्व नहीं हुए रशिया और पाकिस्तान के. लेकिन 2010 के बाद धीरे धीरे से रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं पाकिस्तान रशिया के. क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया का भी रोल है. अगर हम लोग बात करें सन 2008 से, 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील फाइनलाइज हुई, इंडिया ने अपना एक स्वे कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, इसीलिए रशिया ने भी अपना एक रुख किया टुवर्ड्स पाकिस्तान. रशिया ने बहुत सालों तक एक ट्रेड एम्बार्गो लगाया था पाकिस्तान के ऊपर. आप जानते हैं कि रशिया एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है. कई सालों से हमें डिफेंस के आर्म्स, एम्यूनिशंस, डिफेंस प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है. इसी के चलते पाकिस्तान को वो चीज़ें नहीं बेचता था. लेकिन वो पॉलिसी भी बदल चुकी है. क्या हुआ है? चलिए बात करते हैं सन 2010 से क्या हुआ है. इन रीसेंट टाइम्स एज अ काउंटर मेजर रशिया इज लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान. क्यों? क्योंकि इंडिया इज लुकिंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ऑल्दो 2010 में पुतिन ने क्लियरली बताया था कि हम लोग रशिया की तरफ ज़्यादा रुख नहीं करेंगे, रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक या फिर मिलिट्री पार्टनर नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा एम्फेसिस है ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ इंडिया. लेकिन अगले ही साल चीज़ें बदल गई. ऐसे ही होता है इंटरनेशनल रिलेशंस. इसीलिए कहते हैं देर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, देर इज़ नो परमानेंट एनिमी इन इंटरनेशनल रिलेशंस. अगले ही साल पुतिन ने पब्लिकली एंडोर्स किया पाकिस्तान. पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो पुतिन ने इसका समर्थन किया. और उसी साल 2011 में आपको याद होगा नेटो की फोर्सेस ने अटैक किया पाकिस्तान में, एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया बिना पाकिस्तान की जानकारी के. अब इस चीज़ को पुतिन ने क्रिटिसाइज किया कि नेटो ने स्ट्राइक किया पाकिस्तान में विदाउट इन्फॉर्मिंग देम. दिस वॉज द ब्रीच ऑफ सोवरेनिटी, यानी कि सोवरेनिटी ब्रेक हुई यहाँ. तो इसको क्रिटिसाइज किया था पुतिन ने. तो धीरे धीरे रशिया ने भी इंडिकेशन दी दैट वी आर ओके डीलिंग विथ पाकिस्तान. और 2014 से तो रिलेशंस ट्रांसफॉर्म हुए हैं. मैं कह सकता हूँ 2014 से क्लियरली एक अलाइनमेंट हो रही है. एक तरफ रशिया, चाइना और पाकिस्तान का एक्सिस डेवलप हो रहा है और दूसरी तरफ मैं कहूँगा वेस्टर्न ब्लॉक है और इंडिया कहीं ना कहीं दोनों को बैलेंस करते हुए अटका हुआ है. ऑल्दो हमारा थोड़ा सा स्वे है वेस्ट की तरफ, क्योंकि 2014 में जब क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया तो रशिया वॉज लुकिंग फॉर अदर मार्केट्स. रशिया ने अपनी एक बहुत बड़ी डील साइन की, $400 बिलियन की गैस डील, 30 सालों तक गैस सप्लाई करेंगे चाइना को. और चाइना का जो दोस्त था पाकिस्तान वो भी आ गया. और उसी साल 2014 में रशिया ने अपना ट्रेड एम्बार्गो एंड कर दिया. अब रशिया ने कहा कि हम भी अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बेचेंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान को प्रोवाइड किया M-35 हिंद ई असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स. इसके बाद 2016 में एक पहली बार ड्रिल हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ रशिया और पाकिस्तान के हिस्ट्री में पहली बार. और इसी समय पे उरी अटैक भी हुआ था. उरी अटैक के चलते इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी टू पोस्टपोन इट टू रशिया, विच रशिया डिड नॉट एक्सेप्ट. दे वेंट अहेड विथ दिस मिलिट्री एक्सरसाइज. 2016 में ही पाकिस्तान और रशिया की एक अग्रीमेंट साइन हुई जहां पे पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बनाने की बात की गई कराची से कसूर तक. इसी के लिए अभी इमरान खान भी गए हैं रशिया, जहां पे $2 बिलियन की फंडिंग मांगने गए हैं फॉर कराची टू कसूर पाइपलाइन.
2016 में फिर से पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि दे आर ग्रांटिंग रशिया द एक्सेस ऑफ ग्वादर पोर्ट. ऑलरेडी ग्वादर पोर्ट का एक्सेस दिया गया है चाइना को, रशिया को भी उन्होंने 2016 में ग्वादर पोर्ट का एक्सेस दे दिया है. 2019 में पाकिस्तान ने अपनी एक पेमेंट डिस्प्यूट था, सोवियत तरह का पेमेंट डिस्प्यूट था जहां पे सम मिलियन डॉलर्स वो सपोज टू बी पेड, तो इसको रिजॉल्व किया और रशिया की तरफ से $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट का प्लान बना. रशिया $8 बिलियन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान इकोनॉमी में, कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट हुई थी. और हम जानते हैं कि ऑलरेडी रशिया और पाकिस्तान दोनों ही समर्थन करते हैं चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का. तो इस पूरे डिस्कशन से आपको क्या पता चल रहा है, इस पूरे डिस्कशन से ये पता चल रहा है कि जिन दो देशों के बीच, पाकिस्तान और रशिया के बीच, कोई क्लोजनेस नहीं थी. इनफैक्ट मैं कहूँगा बहुत हद तक एक एनिमोसिटी थी, क्योंकि कोल्ड वॉर एरा में अगर बात करें पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली मदद की थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की. रशिया की डिसइंटीग्रेशन या फिर USSR की डिसइंटीग्रेशन में बहुत बड़ा योगदान है पाकिस्तान का, इनके साथ कोई संबंध नहीं थे. ये रिलेशंस भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं 21st सेंचुरी में, टू बी वेरी प्रिसाइज 2010 के बाद रशिया और पाकिस्तान और चाइना का एक एक्सिस डेवलप हो रहा है. और दूसरी तरफ US और पाकिस्तान की जो क्लोजनेस थी उनमें भी दरार पड़ चुकी है. US वेस्टर्न ब्लॉक को लेकर नाउ दे आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन क्वाड डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है. तो कह सकते हैं कि रशिया पाकिस्तान एक्सिस कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है. और अभी इमरान खान इज़ ऑन अ विजिट, और इससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑल दो जो भी डील फाइनल होगी उसके ऊपर तो हम लोग चर्चा करेंगे, बट अभी फिलहाल वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट समथिंग वुड बी फाइनलाइज, बिकॉज रशिया इज़ ऑलरेडी इन अटैक मोड ऑन यूक्रेन. तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट एनी बिग अनाउंसमेंट विल कम. बट किस चीज़ के ऊपर इमरान खान का फोकस है? इमरान खान अपने साथ कम से कम 1 दर्जन लोगों को लेकर गए हैं, मिनिस्टर्स और की एडवाइजर्स उनकी. वो बेसिकली चाहते हैं कि रशिया इन्वेस्ट करे पाकिस्तान. $2.5 बिलियन की जो गैसोलीन पाइपलाइन की डील हुई थी फ्रॉम कराची टू कसूर, इसके लिए रशिया से फंडिंग दे आर एक्सपेक्टिंग. ऑल दो रशिया ने इसके ऊपर तो इंटरेस्ट दिखाई थी, लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लावरो ने पिछले साल काफ़ी इंटरेस्ट उन्होंने दिखाई थी ऑन दी तापी पाइपलाइन. अब यहाँ पे फिर से आपको पता चलेगा तापी क्यों, बिकॉज ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी वेरी बिग मार्केट. इमेजिन अगर तापी पाइपलाइन बनी और तापी पाइपलाइन से गैस आने लगा फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान टू अफगानिस्तान, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, तो इमेजिन कीजिए इंडिया में नेचुरल गैस के दर कितने गिरेंगे और नेचुरल गैस यूसेज कितना बढ़ सकता है. तो मॉस्को ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस. तो मॉस्को हैज शोन मोर एंड मोर इंटरेस्ट इन तापी पाइपलाइन रादर देन द अदर पाइपलाइंस. इसके अलावा मॉस्को ने अपनी कीन इंटरेस्ट दिखाई है कजाकिस्तान पाकिस्तान पाइपलाइन के ऊपर. तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ट्रैक्शन ज़रूर देख सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर विजिट. जब भी अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन. अगर आप ध्यान दें किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, पिछले साल रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरो ने तापी के बारे में बताया दैट वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन तापी. और उसी समय से पाकिस्तानी ऑफिसर्स, पाकिस्तानी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट भी तापी के बारे में काफ़ी सारी कमेंट कर रही है, तापी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जो बहुत सालों से प्लान्ड है, लेकिन मैं कहूँगा एक बैक बर्नर पे चला गया था, इसके ऊपर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही थी. तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके ऊपर भी ट्रैक्शन देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में. अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ. बट डू रिमेंबर दैट रशिया पाकिस्तान चाइना एक्सेस इज स्लोली एंड स्टडीली इवॉल्विंग. और इंडिया एक तरफ रशिया एक तरफ US, इन दोनों को बैलेंस, फाइन बैलेंस करने में लगा हुआ है. कैसे इंडिया बैलेंस करेगा इसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी. अगर कोई भी अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ. बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.